हैदराबाद डेक्कन न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट नाफिज होने के बाद से पुलिस की जानिब से काफी बड़े पैमाने पर चौकसी इख्तियार कर ली गई है। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर नाकाबंदी करते हुए चेक पोस्ट लगाए गए और गाड़ियों की खुसूसी छानबीन जारी है। इसी के चलते सरप्राइज व्हीकल चेकिंग की गई। इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद से ही पुलिस सख्ती के साथ ये तलाशी मुहिम में मसरूफ देखी गई। इलेक्शन के खत्म होने तक यानी 3 दिसंबर तक ये तलाशी मुहिम जारी रहेगी। आवाम से गुजारिश है कि वो पुलिस के साथ ताउन करें। भारी मकदार में सोना या नकदी अपने साथ लेके निकले तो उसके साथ उस सोने या रकम से मुतालिक दस्तावेज भी रखें, क्योंकि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के तहत भारी रकम या भारी मकदार में सोने की मुंतकली की इजाज़त नहीं है। अगर कोई अहम काम के तहत ले जाने की ज़रूरत पड़ी तो उसके साथ अपना प्रूफ भी साथ रखें, वरना रकम या सोने को जब्त किया जाएगा। ऐसे ही इस व्हीकल चेकिंग के दौरान हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन हदूद में एक शख्स के पास से 3 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई। पूछताछ पर उस शख्स ने बताया कि वो रकम बैंक से निकाली गई है, जिस पर पुलिस अहदेदार उस शख्स के साथ SBI बैंक जाकर वेरीफाई किए। कई 2-व्हीलर 4-व्हीलर की तलाशी ली जा रही है। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट नाफिज होने के बाद से तेलंगाना भर में जारी इस तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस को भारी मकदार में सोना चांदी और भारी नकदी भी बरामद हुई। आइए देखते हैं इस खसूस में ये वीडियो। सर हाउ मच कैश यू फाइंड है? 2,20,000 आवाज़ सर भाई अगर डिस्कून कर पा नीचे का ऑर्डर नीचे नीचे का ऑर्डर नहीं उठता क्या उठता उठता क्या नहीं नहीं अड़कना कितना ना